ये तो मैं अपने मुल्क से हिसाब लगाऊंगा, ठीक है ना। ये पहले मैं आपसे ही शुरू करता हूँ, ठीक है ना। ये अपना हिसाब देख लें हम। क्या मेरा क्या हिसाब है साहब? ये है कि हम उन लोगों को तो बाद में कहेंगे यार ये है वो है, जो हालियत हमारे गाँव ये पाकिस्तान में है ना। अच्छा। ये अभी आपने नहीं दुपट्टा लिया हुआ, ठीक है ना। इधर से जहालियत हिसाब लगा लो कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, दुपट्टा ना लेना जहालत है आपके करीब। सर पे दुपट्टा लेने से क्या होगा मुझे बताएं? क्या हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा, दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? चले मैं ये देखे, मैं ये सर पे दुपट्टा ले लेती हूँ जी। आपको मैं अच्छी नहीं लग रही थी, मैं आपका दुपट्टा इंटरव्यू कर लेती हूँ, सर पे दुपट्टा ले लिया। आप मुझे बताएं क्या हम चांद पे पहुंच गए? एक बंदा जब अच्छा काम करेगा देख के सब करेंगे ना। आप खुद करें तो आपको देख के बाकी भी सब करेंगे। मुझे देख के फ्रांस कैसे दुपट्टा लेना शुरू कर देगा मुझे ये बताएं? पहले आप पाकिस्तान को देखो ना, फ्रांस को छोड़ दो। चलो मेरी बात सुनो, मेरे दुपट्टे का ताल्लुक वास्ता क्या है भाई? आप लोग मेरे दुपट्टे के पीछे क्यों पड़ गए हो? भाई आप लोग तो बाकी लेंगे ना, खुद आप ले नहीं रही तो फ्रांस पे जा रही हो, पहले खुद लो। मेरे पर्दे का जवाब दे, मेरा बाप भाई मेरा शोहर है, आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आप मुझे तनकीद नहीं कर सकते दुपट्टे के ऊपर। अच्छा, आपने मुझसे ये सवाल पूछा, ठीक है, मैंने इसका जवाब देना था ना, तो मैंने दूर लोगों से बताया। मैंने इसी जहालत की वजह से ना हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पाता, इसी छोटी सोच की वजह से हम एक छोटा मुल्क रह गए कि आप लोगों की सोच दुपट्टे से बाहर नहीं निकल रही। अच्छा, इसे आप जहालत कहते हो? ओ पागल जी, पाकिस्तानी वाम तुसी लवो हां, अभी दुपट्टा लेता सारी वाम तो नुवे हरी तुसी, अंजी दुपट्टा लोगो सारे चले जानगे। चलो ठीक है, मैं दुपट्टा लेनी वेना कितने गायब होने हो गए। नमस्कार 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 जी हां, तो आज फिर मैं आपके लिए लेके आया एक और शानदार वीडियो जी हां। तो हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में हुआ है बहुत ही तगड़ा माहौल खराब जी हां। पाकिस्तान में एंकर महिला के ऊपर पाकिस्तानी जाहिल है, वो मारने दौड़े हैं क्योंकि उसने बुरका नहीं पहना था। हाँ भाई ये सही है, तो वीडियो देखेंगे। उससे पहले बात करेंगे कि फ्रांस है, उसने भी जो वहाँ की बच्चियाँ हैं जो स्कूल में पढ़ती है कॉलेज में पढ़ती है, उन्होंने जिसे अबाया बोलते हैं बुरका बोलते हैं उस पर बैन लगा दिया कि अब स्कूल में वो बुरका पहनकर नहीं आ सकती। तो क्या है पाकिस्तान का पूरा मामला देखेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो में मजा बहुत आने वाला है क्योंकि वीडियो में मैं भी अपने रिएक्शन देने वाला हूँ। आपका इंडियन भाई रिएक्शन देगा तो क्या ही होगा जी हाँ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं वीडियो के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? सदाम हुसैन। सदाम क्या करते हैं? भैया काम करता हूँ, ये अंडा टिक्की का। अंडा टिक्की का काम करते हैं। अच्छा, आपको पता है फ्रांस ने, फ्रांस में जो मुस्लिम बच्चियाँ स्कूल और कॉलेजेस जाती हैं उनके गाउन के ऊपर, अबाया के ऊपर बैन लगा दिया है कि फ्रांस में स्कूल कॉलेजेस जाने वाली लड़कियाँ जो है वो अब अबाया नहीं पहन सकती। क्या कहेंगे आप इस पर? इस पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये तो मैं अपने मुल्क से हिसाब लगाऊंगा, ठीक है ना। ये पहले मैं आपसे ही शुरू करता हूँ, ठीक है ना। ये अपना हिसाब देख लें। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा क्या हिसाब है साहब? ये है कि हम उन लोगों को तो बाद में कहेंगे यार ये है वो है, जो हालियत हमारे गाँव ये पाकिस्तान में है ना। अच्छा। ये अभी आपने नहीं दुपट्टा लिया हुआ, ठीक है ना। इधर से जहालियत हिसाब लगा लो कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, दुपट्टा ना लेना जहालत है आपके करीब। जहालत ही है ना, ये हमारा पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है ना, तो इस्लामी मुल्क में हम ये ऐसे फिरते हैं ये जैसे कोई गैर मुस्लिम फिरता है, ठीक है ना। तो ये मुझे तो नहीं अच्छा लगा, ये मुझे आपको देख के नहीं अच्छा लगा, उनको तो मैं बाद में पूछूंगा, पहले मैं अपने पाकिस्तान की बात करूँ। मैं तो आपसे ये पूछ ही नहीं रही हूँ कि मैं आपको अच्छी लगी हूँ या नहीं लगी। मेरा तो सवाल ये नहीं कह रहा कि आप अच्छी लगी, मैं आपके ना आपने दुपट्टा नहीं लिया। अगर आपने दुपट्टा लेके ये बात करती तो शायद और सूट करती, ठीक है ना। लेकिन ये मैं आपसे बात सवाल, ये तो मेरी मर्जी है कि भाई मैं दुपट्टा सर पे लूं लूं ना लूं, आप कौन होते हैं मुझे तंकीद करने वाले दुपट्टे के ऊपर? नहीं कर रहा मैं ये, आप लोगों को बताना चाहता हूं। अच्छा। कि हम उनकी बातें करते हैं कि वो तो गैर मुस्लिम है, उन्होंने कुछ करना ही करना है, ठीक है ना। हम तो इस्लामी मुल्क है ना, ये हमारा तो हक बनता है ना, फर्ज बनता है कि हम सर पे दुपट्टा रखें। सर पे दुपट्टा लेने से क्या होगा मुझे बताएं? क्या हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा, दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? चले मैं ये देखे, मैं ये सर पे दुपट्टा ले लेती हूँ जी। आपको मैं अच्छी नहीं लग रही थी, मैं आपका दुपट्टा इंटरव्यू कर लेती हूँ, सर पे दुपट्टा ले लिया। आप मुझे बताएं क्या हम चांद पे पहुंच गए? तो लो जी, मैंने सर पे दुपट्टा ले लिया। अब मुझे दुपट्टे के पहले आप अपना देखना, ठीक है, और दुपट्टा लेके देखना, ठीक है ना। ये देखना, ठीक है ना, ये देखना है। ये नहीं होता कि चांद पे जाना जरूरी होता है। तो मेरी बात सुनो ना, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क, ठीक है, वहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं, वहाँ पे तो उन्हें कोई नहीं कहता कि आप ये करें आप वो करें। वहाँ पे लड़कियों को अगर हिजाब पर पाबंदी लगाई जाए या कोई एक अलग वाक्या हो जाए तब आप लोग सड़कों पे निकल आते हैं। अब फ्रांस में इतना बड़ा वाक्या हुआ तो आपने मेरे दुपट्टे पे तनकीद कर दी कि आपने दुपट्टा नहीं लिया हुआ। मैं आपसे सवाल गंदुम कर रही हूँ, आप मुझे जवाब चना दे रहे हैं। मैं ये कर रहा हूँ कि हम अपने, ये हमारा इस्लामी मुल्क है ना, मैं अपने इस्लामी मुल्क से बात शुरू करूँगा। वो तो फ्रांस है, उन्होंने तो लगवाना ही लगाना है ना कि ये ना करें ये ना करें, ठीक है ना। वो हमारे इस्लाम के लिए गलत बात है ना, तो फिर क्या करेंगे अब? चले मैंने तो आपके कहने पे दुपट्टा लिया था, गिर गया, सॉरी दोबारा ले लेती हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं कि अब मैंने तो दुपट्टा ले लिया, फ्रांस में जो हो रहा है मुसलमानों के साथ क्या कहेंगे? वहाँ पे लड़कियों के हिजाब पर अबाय पर पाबंदी लगा दी है, बुरके पर पाबंदी लगा दी है, अब उनके लिए आप क्या करेंगे बताएं? ये तो मैं कहूंगा, ये एक ही बात करूंगा कि ये जो हमारे लीडर है ना, इन्हें ये बात करनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि उन्होंने वो पाबंदी लगा दी है, ये इसमें आवाज उठानी चाहिए।
ठीक है ना, हमारे जो बड़े हैं जो हमारी हुकूमत के बंदे बैठे हुए हैं उनको चाहिए कि इस पे आवाज उठाएं। आवाज उठाने से क्या होगा मुझे बताओ? आवाज उठाने से कुछ ना कुछ तो होगा ना, पता चलेगा। डरते हैं वो, डरते हैं हम लोगों से, मुसलमानों से। इस्लामोफोबिया है पूरी दुनिया में, लोग डरते हैं, कहते हैं कि मुसलमान जो है वो दहशतगर्द है, डरते हैं वो लोग। एक वक्त वो था फ्रांस में, खुले हम लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते थे, आज वहाँ इस्लामी लड़कियाँ जो है मुसलमान, हमारी जो माएँ बहनें हैं उनके बुरके के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। ये हमने जो काम शुरू, ये हमारे से शुरू है ना। अच्छा। ये हमने हमारी अपनी गलती है। ठीक है ना, हाँ जी, उन लोगों की कोई गलती नहीं है। अगर हम ये काम शुरू से करते तो आज हमें ये एरा वगैरह लोगों की बात करते क्या करना चाहिए, ये दुपट्टा वगैरह जो हमारी जो जिम्मेदारी बनती थी। ठीक है, हंसी आ रही है अल्लाह पाक की कसम आपकी बात के ऊपर। चले, मैंने दुपट्टा ले लिया ना, आपको इसलिए आ रही है कि मैंने आपको ये कह दिया कि दुपट्टा ले लो। ठीक है ना, हाँ जी, आज तक ये आपने किसी को नहीं, किसी ने नहीं बोला होगा, ये देखो ये हमारा हाल है। ठीक है ना, आप इंटरव्यू लेने आई हो, बार बार अपना दुपट्टा। मेरी मर्जी, देखिए मेरी बात सुनो, नहीं है आपकी मर्जी नहीं है। ठीक है ना, आप अपना दुपट्टा इसमें आ रही, हम किसी को क्या बोले। ठीक है ना, मेरा दुपट्टा है, मैं लूं ना लूं, आग लगाऊं फेंकूं, मेरी मर्जी भाई। मैं कह रहा हूं ये आपका ही है। ठीक है, ये देखो आपको इतना गुस्सा आया ना, गुस्सा आया ना। मेरे पर्दे का जवाब दे, मेरा बाप भाई मेरा शोहर है, आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, आप मुझे तनकीद नहीं कर सकते दुपट्टे के ऊपर। अच्छा, आपने मुझसे ये सवाल पूछा, ठीक है, मैंने इसका जवाब देना था ना, तो मैंने दूसरे लोगों से बताया, मैंने आपसे। इसी जहालत की वजह से ना हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पाता, इसी छोटी सोच की वजह से हम एक छोटा मुल्क रह गए कि आप लोगों की सोच दुपट्टे से बाहर नहीं निकल रही। अच्छा, इसे आप जहालत कहते हो? हाँ। वेरी गुड, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, इस बात को आप अप्रिशिएट कहते हो, ये ठीक है, दुपट्टे के बिना ठीक है, हैं? ये जहालत नहीं है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये तो था हमारा आज का वीडियो, जहाँ एक और पाकिस्तानी लोग है वो एंकर सना अमजद से लड़ाई करने लग गए कि उन्होंने बुरका नहीं पहना है, सबसे पहले इस्लाम को वो खराब कर रही है, बोलने लगे कि जो फ्रांस है उसने बुरके पर बैन लगाया, वहाँ की पढ़ने वाली बच्चों पर बैन लगाया, वो तो दूर की बात है, लेकिन खुद सना अमजद पाकिस्तानी होकर खुद इस्लाम का पालन नहीं कर रही है। तो वहीं सना अमजद ये बोलने लगी कि क्या बुरके को पहनकर भारत तरक्की कर रहा है उस तरीके से, क्या पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, तरक्की कर सकता है? वो बोली कि अगर बुरका पहनने से पाकिस्तान तरक्की कर सकता तो मैं पहन सकती हूँ। और उसने ये भी कहा कि अगर लोगों को आज़ादी है और उन पर आज़ादी न दी जाए तो कितना बुरा लगता है। खैर, आप ही क्या विचार है, बुरका पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, मुस्लिमों को जो हिजाब पहनती है वो पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी आपकी राय जरूर कमेंट करें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।